डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मोहम्मद शमीम, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, HMPG कॉलेज कानपुर, पहली बार आपके सामने यूट्यूब चैनल पर आ रहा हूँ। मैं लगातार आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से PGT 2016 की तैयारी को लेकर के बता रहा था, और इसके संदर्भ में आई हैव ऑल्सो रिटन टू बुक्स, एन इमराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म विद डॉक्टर मिथिलेश, एंड सेकेंड इन एन ऑब्जेक्टिव मोड विच कंटेन्स 5000 क्वेश्चंस। मैंने लगातार जो है पिछले एक महीने से मैं लगातार बता रहा था हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड व्हाट यू हैव टू एक्सक्लूड एंड व्हाट यू हैव टू इंक्लूड, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इस सिलसिले में कल मैं बाहर था और मैं रात में आया, तो रात में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए और फ़ोन पे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपने जो बताया था काफ़ी कुछ उसमें हेल्प मिली, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे अब उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें जनरली ऑथर का बायोग्राफिकल स्टडी होता था, कब पैदा हुआ, कब मरा, उसके अपने वर्क्स की डेट होती थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी। उन्होंने मुझसे एडवाइस दिया कि सर आप एक वीडियो बना करके डालिए, क्योंकि 8 मार्च को TGT एग्ज़ामिनेशन का पेपर है। तो इस सिलसिले में मैं बहुत संकोच में था कि मैं YouTube चैनल से जुड़ा नहीं हूँ और मुझे अगर वीडियो बनाना है तो उसमें क्या बात कहनी है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बेसिक बात रखना चाहता हूँ कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT 2016 विच विल बी हेल्ड ऑन 8th मार्च इन 2009, दे हैव टू मेकअप देयर माइंड कि अब एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, 8 सालों से, व्हाट द टाइम मींस 2009 का, 2005 का, 13 का एडवर्टीजमेंट, 11 का एडवर्टीजमेंट जो हुआ था, जिस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते थे वो अपने आप को अब अलग कर रहा है, उस पैटर्न पर वो नहीं जा रहा है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ामिनेशन, आप एग्ज़ामिनेशन को, आने वाले एग्ज़ामिनेशन को आप कैसे क्रैक कर पाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो। यू हैव टू मेक अ प्लान, एंड व्हाट द प्लान यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक द प्लान कि यू हैव टू डिवाइड योर सिलेबस इंटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट अ ग्लांस। यू हैव ओनली टू नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द डेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द पीरियड, सम इम्पॉर्टेंट राइटर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज, तो ऑलरेडी यू नो दैट एलिजाबेथन एज मीन्स फ्राम 1558 टू 1603, 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। इन दिस एज देर आर 3 इम्पॉर्टेंट राइटर्स इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, विलियम शेक्सपियर विच इज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड इन आर सिलेबस, यू हैव टू मेक द डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस राइटर। द सेकेंड इज एडमंड स्पेंसर, द थर्ड इज फ्रांसिस बेकन। एडमंड स्पेंसर और फ्रांसिस बेकन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्रांसिस बेकन या एडमंड स्पेंसर पे आपको इतनी स्टडी करनी है कि आपको ये पता चल सके कि उन्होंने कॉमन चीज़ें क्या लिखी हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, रोट 58 एसेज विच पब्लिश्ड इन 1597, 1612 एंड 1625। ही वॉज अ वेल नोन फॉर्मल एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इन द सेम वे यू हैव टू नो अबाउट एडमंड स्पेंसर, हिज एलजी एस्ट्रोफेल, फेरी क्वीन, मीन्स यू डोंट हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड वे, बट यू हैव टू
here some names of these writers. Taking these things, you have to go forms and movement, forms of drama, forms of poetry, forms of novel, rhetoric and prosody. In rhetoric and prosody, words, stanza form, meter, rhythm, figures of speech. As far as matter is concerned too, how you will prepare yourself to study four writers which are prescribed in TGT examination, John Galsworthy, John Milton, William Wordsworth and William Shakespeare. For this, you have to make the four sections. Yeah, in other words, you have to divide these writers into four parts. The first is the biographical study. In biographical study, you have to know about date of birth, when they died. You have to go about the literary career. Were they dramatist? Were they novelist? You have to go, means literary career unka, ki unhone kya likha, drama likha, novel likha, aur unke literary career mein first section kya hai, second क्या उनको उनका लिटरेरी कार्य अगर चार पार्ट में बांटा गया तो चारों पार्ट के नाम क्या है. जैसे डॉक्टर डाउडन ने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कारियर को चार हिस्सों में बांटा है तो कौन कौन सी चीज़ें आई है. देन यू हैव टू मेक द डिटेल्ड स्टडी ऑफ देयर वर्क्स, स्पेशली दोज प्लेज, दोज ड्रामाज, दोज नावल्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड एट यूजी एंड पीजी लेवल इन यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री कॉलेजेस. आफ्टर इट you have to go literary terms. Undoubtedly that's very difficult, that's not easy to understand, but some literary terms which are related to drama, which are related to verse, which are related to novel. If I talk about literary terms related to drama, you have to know what is plot, what is catharsis, what is hubris, what is purgation, what is hamartia, what is act, what is scene, antagonist, protagonist, all these things you have to go. So hope you'd like this video, and I also feel that it will be highly fruitful for you. In this video, I'm only telling you how you have to prepare for TGT 2016, which will be held on 8th March in 2019. क्योंकि अभी जो लोग पीजीटी दे करके आए हैं वो कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पूरा पैटर्न बदल दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका. आई एम नॉट सेइंग कि इट हैज़ कि बोर्ड हैज़ चेंज द इंटायर सिलेबस, बोर्ड हैज़ नॉट चेंज द सिलेबस. सिलेबस वही है, वही आपको जो 17 राइटर्स पीजीटी के पढ़ने हैं, टीजीटी के चार राइटर्स पढ़ने हैं, वही आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मीन्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट है, लिटरेरी टर्म्स है. बट द वे But it has changed how to ask the question, the way of asking the question, that has been entirely changed. और कुछ हद तक कुछ लोगों ने ये भी फीडबैक दिया कि जैसे नेट के पैटर्न पे चीज़ें पूछी जाती हैं, उसी पैटर्न पर ये चीज़ें आ गई हैं. तो आपको प्रिपेयर अपने आप को करना है कि बदलते वक्त के साथ जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो बदल रहा है उसके साथ आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस चीज़ को, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए लोगों की डिमांड पर कि सर अभी आप केवल प्रिंटेड फॉर्म में हैं, आप केवल किताबों की अपने नॉलेज का जो दायरा किताबों तक सीमित रखे हैं, बुक्स आर अवेलेबल, लेकिन ये डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो डिजिटल मीडिया सॉरी ये जो है जो आज का वक्त है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं. मैंने बहुत सारे अपने जो है लेक्चर्स ऑडियो फॉर्म में जो है ग्रुप में डाले हुए थे, तो नाउ आई विल बी ऑन यूट्यूब आल्सो एंड द नेम ऑफ माय चैनल इज इंग्लिश लिटरेरी सर्कल. प्लीज़ लाइक द चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब इट. होप दैट यू ऑल विल ग्रीट, विल वेलकम दिस चैनल विद ओपन हार्ट एंड माइंड. और आने वाले समय में मैं छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिहाज से भी बहुत ही फ्रूटफुल होगा. थैंक्स.